आदर दोस्तों मैं हूं शहजादा बरनी आप देख रहे हैं बरनी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के एक और जिले में एक मस्जिद के अंदर हिंदू युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया दरअसल ये पहली बार नहीं हो रहा है ये दूसरी घटना है इस हफ्ते के अंदर ही जब किसी मस्जिद के अंदर हिंदू युवकों ने घुस करके हनुमान चालीसा का पाठ किया है इस मामले का विवाद शुरू हुआ था 29 अक्टूबर से जब खुदाई खिदमतगार के एक कार्यकर्ता ने जिनका नाम था फैसल खान जो कि सद्भावना के लिए काम करते हैं मंदिर के पुजारी की अनुमति के बाद जो है मंदिर के अहाते में मथुरा में नमाज अदा की थी बाद में मंदिर के पुजारी ने उन्हीं पर एफ दर्ज करा दी उसके बाद फैसल खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया जिसके बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए पहली बार जो है मथुरा की ईदगाह में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ा गया था तीन नवंबर को जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था अब एक और नया मामला है उत्तर प्रदेश के बागपत से उत्तर प्रदेश के बागपत में एक जगह है खेकड़ा थाना क्षेत्र वहां पे एक गांव है विनयपुर विनयपुर गांव की मस्जिद में वहीं के उस गांव के रहने वाले मनुपाल बंसक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन इस मामले में कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई और उसकी वजह थी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब का कहना है कि ये मामला हमारा यहाँ का लोकल मामला है ये व्यक्ति हमारे गांव का रहने वाला है हमारा परिचित है जो काम इसने किया है बिना अनुमति के मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा का पाठ वो गलत है लेकिन हम इस मामले को पुलिस में नहीं ले जाएंगे और हम उसको माफ़ करते हैं और उसे उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी इमाम साहब का कहना है कि हमारी कोशिश है कि यहाँ के आसपास का हमारे गांव का माहौल ख़राब ना हो इसलिए हम किसी भी तरह की कोई भी पुलिस कार्रवाई इस मामले में नहीं करेंगे ये हमारे गाँव का आपसी मामला है इसे हम आपसी बैठ के निपटा लेंगे इमाम साहब की ये पहल वाकई में सराहनीय है कि इन मामलों को ज़्यादा तूल ना दी जाए और आपस में बैठ कर के निपटा लिए जाएँ और सौहार्द ना बिगड़ने पाए ये जो है मेन मुद्दा था इमाम साहब की जो मंशा थी इसलिए इस मामले में ना तो कोई एफ दर्ज की गई और ना ही हनुपाल ना ही मनुपाल बंसक को गिरफ्तार किया गया और ना ही उस मामले में पुलिस का किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस हुआ जबकि उसने जाकर के मस्जिद में जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया था वो भी बिना अनुमति लिए अब सवाल ये उठता है कि इमाम साहब की ये पहल तो वाकई में काबिल तारीफ है तो क्योंकि विवादों को खत्म करना ही देश भर में अपने एरिया में अपने आसपास के लोगों में प्यार को बढ़ावा देना आपसी मामला को आपसी रंजिशों को ख़त्म करना ही हर धर्म आपको सिखाता है चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो और उसी का मुजाहरा मस्जिद के इमाम साहब ने किया है हम मस्जिद के इमाम साहब की इस पहल की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना किसी मंदिर में हो ना किसी मस्जिद में हो जहाँ पर फिर से विवाद शुरू हो जाए आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया